नमस्कार मित्रों, मैं अनिल शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डेट की बात करें तो आज है 11 अगस्त दिन संडे और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। इस समय मैं आ चुका हूं वाराणसी के प्रसिद्ध घाट यानी 80 घाट पे और काफ़ी कमेंट आ रहे थे, भैया गंगा जी का बढ़ाव है कि घटाव है, क्या बढ़ा है क्या नहीं घटा है, क्या नियम कानून, पूरी जानकारी दूंगा मैं। यानी इस समय 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे हिसाब से गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है और पिछले लगभग 24 घंटे में 45 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई है। और बता दूं कि अगर आप इस सोमवार यानी कल बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आने से पहले क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, वो पूरी जानकारी इस वीडियो दूंगा, वीडियो को पूरा दिखेगा। चलिए चलते हैं, आपको बैक करने से पूरे नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको, टाइम हो रहा है सुबह के 6:25, दिन है संडे और है 11 अगस्त और अभी हम लोग आ चुके हैं 80 घाट और ये देखिए ये रास्ता जाता है सीधे आपका रविदास घाट के लिए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ठेठ बनारसी बाटी चोखा रेस्टोरेंट और ग्रीन गंगा कैफे रेस्टोरेंट और बाइक यहाँ मैंने पार्क कर दी है, ठीक है। और सामने ये रास्ता जाता है आपका 80 घाट और बाढ़ आता है चौचक तो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना यहाँ कमर से ऊपर तक पानी हो जाता है, ठीक है। फिलहाल देखिए सुबह सुबह जाम लगाना स्टार्ट हो गया है, लोग मैगी दुकान खोले हैं, मैगी सुबह खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ये रास्ता बाएं चला जाएगा 80 चौराहे के लिए, आगे हम लोग 80 घाट। तो आप अगर पूछेंगे कि बढ़ाव है कि घटाव है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा जी का पानी धीरे धीरे और कम होते जा रहा है। जहाँ पहले सामने देख रहे जो आरती स्थल जो चौकी है वो थोड़ा बहुत दिखती थी, आज देखिए पूरा दिख रही है। अब लोग पैदल वहाँ तक जा भी सकते हैं आराम से, देख रहे हैं वहाँ तक भी लोग जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना, ठीक है। और सामने हमारा कुंड भी दिख रहा है आराम से क्लियरली। तो बता दूं कि पानी कैसे घट रहा है और अभी केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 24 घंटे में गंगा का जलस्तर लगभग 45 सेंटीमीटर का घटाव दर्ज किया गया है और शनिवार को केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सुबह 8 बजे तक गंगा का जलस्तर 68.92 सेंटीमीटर था। पूरे दिन 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटाव जारी था और रात 8 बजे तक गंगा का जल स्तर 68.68 मीटर पहुँच चुका है और लगातार 24 घंटे में 45 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि गंगा जी का जो जल स्तर है वो सहायक नदी हो यानी वर्णा नदी हो गया, नाद हो गया यानी जो पानी गंगा जी का इसमें जाता है उसके थ्रू उलट प्रवाह के थ्रू फैलाव में चला गया था पानी, तो अभी भी तटवर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर पानी का जो घटा है उससे गंदगी और परेशानियाँ अभी भी बरकरार है, ठीक है। सुबह बनारस, ये सुबह बनारस नज़ारा, अगर सही मौसम में आते हैं यानी नॉर्मल मौसम में आते हैं, बाढ़ में नहीं आते तो यहाँ पर भी सुबह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होता है और सुबह गंगा आरती होती है, उसके बाद यहाँ पर योग होता है, यज्ञ होता है, इत्यादि चीज़ें आपको 80 घाटे पे देखने को मिलती। ये देखिए नज़ारा यहाँ पर और अपडेट की दोस्तों अगर बात करूं तो अभी भी फिलहाल नौकायन और आपका क्रूज संचालन बंद है। तो अगर आप बनारस घूमने आ रहे हैं और आपका उद्देश्य है गंगा के घाटों को देखना नाव के थ्रू तो फिलहाल वो आनंद अभी आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि इस समय पानी का बढ़ाव जारी है यानी अभी भी बाढ़ में डूबा हुआ है। अगर आप आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ दर्शन करने तो उसके लिए आ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर पानी कम होने से लगभग जो पानी पूरा यहाँ तक था कम हुआ, फिर यहाँ हुआ, कम हुआ, फिर यहाँ हुआ,
ठीक है। और ये हिस्सा देखिए जो वहाँ तो डूबा था वो यहाँ तो पानी आया और पूरा मिट्टी का गाद जो है जमा हुआ गया है। कल देखिए ये हिस्सा नहीं दिख रहा था, पूरा पूरा दिख रहा है मिट्टी। ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है, ये देखिए यहाँ पर ये सब पूरा चपतरा दिखने लगा धीरे धीरे, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। ये गमला पूरा जलमग्न हो रहा था, ये दिखने लगा अच्छे से। अब तो अच्छे खासी पानी में घटाव दर्ज किया गया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर लोग जो नहा रहे थे पानी कम हो गया, टहल रहे हैं। और दोस्तों इसी वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ कि इस बार भक्तों के लिए बाबा दरबार तक पहुँचना अन्य सावन के महीनों के कंपैरिजन में सुगम दर्शन थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि इस सावन के चौथे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम के तीन द्वार प्रवेश द्वार जो है वो बंद रहेंगे, और आपदा परिस्थितियों के चलते गंगा द्वार व सिल्को द्वार 4A तथा सरस्वती द्वार को बंद कर दिया गया है। और बाढ़ के चलते अन्य घाटों से संपर्क टूटने तथा नावों का संचालन बंद होने के कारण गंगा द्वार को बंद करना पड़ा है, और सिल्को जो द्वार है गली वो जर्जर मकानों के ध्वस्त होने के कारण वहाँ मलबे पड़ने के कारण सरस्वती द्वार व 4A भी बंद करना पड़ा है। और इसलिए इस सोमवार को मैदागिन गुदलिया मार्ग पर स्थित शेष तीन मार्गों पर ही श्रद्धालुओं के भारी भीड़ को दबाव झेलना पड़ेगा, और जिसके चलते भक्तों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और चतुर्थ सोमवार को बाबा विश्वनाथ का रुद्राक्ष श्रृंगार भी किया जाएगा, तो इस बार काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है। और कई सारे मार्गों पर अधिकारियों द्वारा यानी DM द्वारा मंडलायुक्त द्वारा ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया। देखिए जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पहले पानी हुआ करता था, देखिए आगे करके पूरा का पूरा ये पानी नीचे चला गया है। ये इसमें वर्तमान स्थिति है। अगर आप घाट पे आ रहे हैं देखिए लगातार साफ सफाई का भी काम चल रहा है, ठीक है। अब जैसा जानते हैं कि भगवान शिव के परम प्रिय महापावन सावन के चतुर्थ सोमवार को बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, और श्रद्धालु के साथ साथ कांवरिया भी पहुँचेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अब माना जा रहा है लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम लगेगा। और इसे देखते हुए यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है, यानी सभी प्रकार की जो सुविधा पास है वह कार्ड जो जितने मतलब नियुक्त किए गए हैं ताकि जल्दी दर्शन हो सके वो सब निरस्त किए जाएंगे। और लोगों से अपील भी की गई है कि कतारबद्ध होकर प्रवेश द्वार तक न पहुँचने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस बार द्वारों की संख्या में सीमित होने के कारण अपेक्षाकृत समय अधिक लग सकता है। ये देखें यहाँ पर ये गाद पूरा जमा हो गया है, लोग कैसे जा रहे देखें यहाँ पे, ये पानी पूरा दल जमा हो चुका है।